सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, नेटी पहाड़ी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखिए। तो इस समय हम बीएम हुंडई देहरादून में हैं, जो राजपुर रोड पे आपका पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू हुंडई क्रेटा। यह क्रेटा का बेस वेरिएंट है ई और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ये आपका आता है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर रहती है वो रहती है 113 bhp की एट योर 4000 rpm पे। वहीं इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क रहता है वो आपका रहेगा 250 न्यूटन मीटर्स का बिटवीन योर 1500 टू 2800 rpm पे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और एंड में मैं आपको इस जो बेस वेरियंट है इसका ऑन रोड प्राइस भी शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रेटा की ये फ्रंट प्रोफाइल है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बेस वेरिएंट है ई, तो इसमें भी आपको देखिए क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प से। बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नाउ ये अगर आप देख रहे होंगे लाइनिंग, तो ये आपका लाइन गाइड है। तो जब भी आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होंगे तभी ये आपकी लाइन गाइड आपकी ग्लो करेगी। दीज आर नॉट DRLs। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। नाउ अगर हम बात करें इसके ग्रिल की, तो काफ़ी बोल्ड से इसकी ग्रिल दी गई है। हुंडई का यहाँ पर हमें लोगो मिल जाता है। बम्पर्स की बात करें तो बम्पर में ही हमें नीचे ये स्किड प्लेट दी गई है, जो इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी बोल्ड बनाती है। कि इस वेरिएंट में भी आपको ये रिमोट मिल जाता है। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक का और बूट का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं पर इसमें देखिए फ्लिप की हमें मिल जाती है। तो इतना अच्छा रिमोट आपको मिल रहा है बेस वेरिएंट से ही। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर हमें रेयर स्पॉइलर मिल जाता है। इधर अगर आप देखेंगे हुंडई का लोगो और क्रेटा की बोल्ड बैजिंग मिल जाती है। जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर अगर इसके टेल लाइट्स की बात करें तो देखिए सी टाइप हमें टेल लाइट्स दिए गए हैं, जो रात को काफ़ी अगर आप स्पेशली अगर नाइट में इसको पीछे से देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। वहीं हमें स्किड प्लेट मिल जाती है और बम्पर में ही हमें आप देखेंगे तो चार पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। क्रेटा में हमें 433 लीटर का एक बहुत ही बड़ा बूट मिल जाता है, जिसमें आप काफ़ी सारा लगेज कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस तरफ को देखेंगे तो बूट लैम्प भी दिया गया है, विच इज़ रियली गुड। नाउ अगर बात करें हम इसके स्पेयर टायर की, तो देखिए इसमें भी हमें 16 इंच का टायर दिया गया है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। तो क्रेटा की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से रहेगी। अगर हम OVM से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर्स में मिल जाते हैं। बॉडी कलर इसमें डोर हैंडल हमें मिलेंगे, वही हमें साइड स्कर्टिंग हमें इसमें मिल जाती है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 190 टू 200 mm के बीच इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। वहीं देखिए अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो 205/65 R16 के हमें इसमें टायर मिलते हैं विद आपका व्हील कवर। और याद रखिए इसका जो आपका स्पेयर टायर है वो भी आपको 16 इंच का ही मिलने वाला है। तो स्टीयरिंग का मैं अगर आपको फीडबैक बताऊं तो देखिए काफ़ी अच्छा एकदम स्लीक सा स्टीयरिंग इसमें दिया गया है और नीचे से फ्लैट बॉटम दिया गया है जो इसे काफ़ी स्पोर्टी बनाता है। कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आप डिस्प्ले के जैसे ट्रिप वगैरह आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बताऊँ स्टीयरिंग में देखिए आपका टिल्ट ऑप्शन दिया गया है, तो यानी कि आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। बोनेट मुझे यहाँ से इजीली विजिबल होती है। तो ड्राइविंग सीट की अगर बात करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबली मैं इसमें बैठा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा कुशन दिया गया है जिससे मुझे एक अच्छी ग्रिप मिल रही है। देखिए फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट 5'10" है और जो बोनेट है मुझे यहाँ से इजीली विजिबल रहता है। यहाँ पर मुझे सीट को ऊपर नीचे करने का लीवर दिया गया है जो एक बहुत अच्छा फीचर है। वहीं मैं सीट को अपनी हाइट के हिसाब से आगे पीछे भी
कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की मेरी पोजीशन रहेगी जब मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूँ। मैं क्रेटा की रियर सीट में आ गया हूँ। ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली थी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा इतना मुझे नी रूम मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हेडरूम की तो मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। अब देखिए रियर सीट का जो कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। आराम से मेरे ही हाइट के 3 लोग कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। देखिए रियर विंडो के लिए भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे स्विच दिया गया है जिससे मैं विंडो को अप या डाउन कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा फीचर है बेस वेरिएंट में। वहीं पर यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। और जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा, देखिए रियर पैसेंजर के लिए भी एसी वेंट दिए गए हैं। वहीं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है जहाँ पर हम आराम से या तो अपना पर्स या तो अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो कैबिन लैम्प भी रियर पैसेंजर के लिए दिया गया है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग जर्नी में अगर जाते हैं तो कंफर्टेबली आप इसमें यू नो ट्रैवल कर सकते हैं। ड्राइवर साइड हमें चारों पावर विंडो और ORVM को मैनेज करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बॉटल होल्डर का भी यहाँ पर स्लॉट दिया गया है। एक क्लासिक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर्स में दिया गया है जिसमें हमें टैकोमीटर, मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑडोमीटर मिल जाता है। वहीं डीकट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन डीलरशिप से आप ये एड ऑन करवा सकते हैं। कैबिन की बात करें तो डुअल टोन यहाँ पर हमें थीम दी गई है जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। एक अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो काफ़ी अप मार्केट है। और वहीं अगर हम को ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो जो विंडो है उसको भी अप डाउन करने का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी स्लीक एसी वेंट का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। नीचे एसी को मैनेज करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वहीं ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसमें आपको 6-speed गियर मिल जाते हैं, 2 cup holder, और अगर आप आर्मरेस्ट देखेंगे तो उसके नीचे हमें काफ़ी सारा स्टोरेज मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स हमें इसमें मिल जाता है। वहीं अगर हम को ड्राइवर साइड सन वाइज़र की बात करते हैं तो देखिए इसमें हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है विच इज़ वेरी नाइस। और वहीं अगर हम ड्राइवर साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर वैनिटी मिरर तो नहीं मिलेगा लेकिन टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं डे एंड नाइट IRVM जिसे आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था इस हुंडई क्रेटा ई वेरिएंट का वॉक अराउंड जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो फ्रेंड्स सो फाइनल टाइम आ चुका है जब मैं आपको उसकी प्राइस बताऊं। तो इस समय BM हुंडई देहरादून में इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 11,73,000 की। वहीं अगर आप दिल्ली NCR या मुंबई में हैं तो आप भी अपने नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी को। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।